हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको तो स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता चल ही चुका होगा, रुहिलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस के NEP 2020 के अकॉर्डिंग संचालित होने वाले PG कोर्सेज जैसे कि MA, MSc और MCOM के जो फर्स्ट ईयर यानी कि प्रथम सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपना MA, MSc और MCOM का प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर का जो परीक्षा फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। अब आपके ये जो कोर्सेज हैं ये सेमेस्टर सिस्टम के तहत संचालित हो रहे हैं, इसलिए अब आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल किया जाएगा। तो किस तरह से आपको पूरा फॉर्म फिल करना है आज की इस वीडियो में लाइव आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको रुहिलखंड यूनिवर्सिटी की इस ऑफिशियल एग्जामिनेशन पोर्टल पर विजिट करना है। इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस वेबसाइट पर आसानी से विजिट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आ जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मेन एक्स प्राइवेट सिंगल सब्जेक्ट स्पेशल परमिशन लॉगिन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से फॉर्म लॉगिन करने का जो ऑप्शन है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपने एडमिशन के लिए रुहिलखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कुछ समय पहले जब ऑनलाइन आवेदन किया होगा तो वहाँ पर जो आपको एडमिशन फॉर्म मिला होगा उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम वीडियो के माध्यम से भी आपको बता देंगे कि ऑनलाइन वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। इसके अलावा भी आप अपने कॉलेज से अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ले सकते हैं, जो कि आपने ऑनलाइन एडमिशन के लिए जब आवेदन किया होगा तो उस फॉर्म पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसे आप यहां पर फिल कर देंगे। उसके बाद आप अपने पिताजी का या माताजी का, दोनों में से किसी का भी जो नाम है वो यहाँ पर नीचे लिख देंगे और उसके बाद आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को जो है वो ओपन कर लेंगे। और दोस्तों लॉगिन होने के बाद आपका जो फॉर्म है कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट्स की जो पर्सनल डिटेल्स है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि स्टूडेंट्स का नेम, इसके साथ ही फादर नेम, मदर नेम, ये चीज़ें फिल की हुई आ रही हैं तो इसमें आपको छेड़खानी नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो लिख देना है, 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर लिखना है। माइनॉरिटी स्टेटस में आपको चूज़ करना है अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, पारसी या फिर यहाँ पर सिख या बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आप इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप इनमें से किसी भी रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हैं यानी कि माइनॉरिटी कैटेगरी से नहीं है तो आप यहाँ नो पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो रिलीजन आप यहाँ से चूज़ करेंगे वही आपकी माइनॉरिटी कैटेगरी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको आगे आ जाना है। स्टूडेंट्स कैटेगरी में ऑटोमेटिकली कैटेगरी आ जाएगी, आपका नहीं आ रही तो आपकी जो भी कैटेगरी है जनरल OBC SC ST उसे आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद सब कैटेगरी में अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो उसे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर कोई गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं तो वो गर्ल्स स्टूडेंट्स ए वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे गर्ल्स के लिए। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट्स ब्लाइंड है, लो विजन है, इनमें से अगर आप किसी से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, आर्म्ड फोर्स, ठीक है, तो आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए गर्ल वाला ऑप्शन है, अगर आप इनमें से किसी भी ऑप्शन से बिलोंग नहीं करते यानी कि बॉयज स्टूडेंट्स हैं और नीचे भी किसी भी स्टूडेंट से बिलोंग नहीं करते हैं, नीचे भी किसी भी ऑप्शन से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपको कोई यहाँ पर जो ऑप्शन है नॉट एप्लीकेबल ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लें। गर्ल्स स्टूडेंट्स को गर्ल वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। उसके बाद रिलीजन में आपको अपना रिलीजन चूज़ कर लेना है, जो भी आपका रिलीजन है उसे आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी भी रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हैं तब भी आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया आधार का, आप इसे चूज़ कर सकते हैं, अन्यथा जो भी रिलीजन है उसे आप यहाँ से चूज कर लेंगे। जेंडर में फीमेल या मेल, जो भी जेंडर आपका उसे आप इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद डोमिसाइल स्टेट में, जो भी आपकी डोमिसाइल स्टेट है उसे यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली भी फिल की हुई आ रही हैं, तो अगर आपकी डिटेल सही है तो आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट यानी कि जिस राज्य के आप निवासी हैं उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाती है, अगर डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक है तो ये जो बॉक्स बना हुआ आ रहा है, ठीक है, कैलेंडर वाला, इस पर आप इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ पर 2000 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से आप अपने ईयर चूज़ करेंगे, जहाँ JUN लिखा हुआ आ रहा है यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी डेट होगी आप उस पर क्लिक कर देंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सही हो जाएगी। अगर आप PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आप इस वाले बॉक्स में एक बार टिक लगा देंगे, अन्यथा इस पर आपको टिक लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। नेशनलिटी में आप इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो इंडियन पर टिक लगा हुआ आ रहा है, इसे आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इंडिया से किसी अलावा किसी अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं तो अदर का ऑप्शन भी आपके सामने उपलब्ध है, आप अदर वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद कैंडिडेट एग्जाम डिटेल्स में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है डिग्री का टाइप कौन सा है, किस तरह के आप स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर प्राइवेट, डिग्री कौन सी है, कौन सा ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, हिंदी या इंग्लिश में, यहाँ पर आपको अपना चूज कर लेना है मीडियम हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। करंट सीजन ऑटोमेटिकली फिल किया हुआ आ रहा है, आपका कॉलेज भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वालिफाइंग डिटेल्स में यहाँ पर आपको चूज कर लेना है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का फॉर्म फिल कर रहे हैं एमएससी एमकॉम का, तो उसके लिए आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स पास किया होगा तभी आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी में आपको चूज कर लेना है आपने जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स पास किया है वो रुलखान यूनिवर्सिटी से किया है या अदर यूनिवर्सिटी से किया है, दोनों ही ऑप्शन आपके सामने, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज करेंगे। जो भी लास्ट कोर्स आपने कंप्लीट किया है यूजी कोर्स, वो कौन से कॉलेज से किया था उस कॉलेज का नाम यहाँ पर आप लिख देंगे, कौन से ईयर में किया था वो ईयर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जिस ईयर आपने कोर्स पास किया। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है एज प्रमोटेड, अगर आपको प्रमोट किया गया था पिछले क्लास में, ठीक है, जो आपने लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम पास किया तो उसमें आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और उसमें अगर आपका रिजल्ट ग्रेडिंग सिस्टम में होता है यानी कि मार्क्स से लिखे हुए नहीं होते हैं, ग्रेड लिखा हुआ होता है, तो आप यहाँ से ग्रेडिंग सिस्टम वाला जो ऑप्शन है उसमें यस या नो कर सकते हैं। अगर मार्क्स लिखे हुए हैं तो आपको नो करना है, ठीक है, और ग्रेडिंग सिस्टम का तहत आपका कोर्स है यानी कि जो रिजल्ट है वो ग्रेडिंग सिस्टम में दिया हुआ है तो उसे आप यस करेंगे, ठीक है। जब आप यस करेंगे ग्रेडिंग सिस्टम में तो यहाँ पर SGPA आपको फिल करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर हमने नो कर दिया तो यहाँ पर हमें मार्क्स लिखना है, ठीक है, ग्रेडिंग नहीं है हमारे में, मार्क्स दिए हुए हैं तो मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ लिखना है, जितने अंकों का आपका टोटल रिजल्ट होता है वो आप मैक्सिमम मार्क्स में लिखेंगे, और जितने नंबर आपको रिजल्ट में आए हैं पिछली क्लास में, ठीक है, जो भी आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स पास किया तो वो यहाँ पर ऑब्टेंड मार्क्स में आपको लिख देंगे जो भी आपके मार्क्स आए, परसेंटेज आपको नहीं लिखना है, ये अपने आप से आ जाएगी। और आपका जो अगर आपने रुलखान यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट कोर्स पास किया तो उसका आपको इनरोलमेंट नंबर मिला होगा, आपकी मार्कशीट पर रिजल्ट पर इनरोलमेंट नंबर दिया हुआ होगा, आप यहाँ पर टिक लगाएंगे इस तरह से और आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर है उसे आप यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर फिल करने के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हो रहा है, लेकिन आप कोशिश करके देखेंगे और यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर लिख देंगे, इससे आपको ही फायदा रहता है, ठीक है। अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, आप दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं और अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो आप इस पर टिक लगाएंगे और अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पर सबमिट करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर टिक लगा दिया, लेकिन अभी तक ये वेबसाइट की प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पर बॉक्स बनकर नहीं आया है। जैसे ही यहाँ पर टिक लगाते हैं यहाँ पर बॉक्स बनकर आ जाता है, उसमें इनरोलमेंट नंबर फिल करना होता है, तो ये वेबसाइट की प्रॉब्लम हो सकती है। आप जब भी फॉर्म फिल करें तो इसे चेक करें आपके पास इनरोलमेंट नंबर उपलब्ध होगा, अगर आपने रुलखान यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट कोर्स पास किया तो यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपका 10th क्लास का रोल नंबर, 10th क्लास की मार्कशीट का सीरियल नंबर, कौन सी ईयर में आपने 10th क्लास पास की, सारी चीज़ें फिल की हुई आ जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ अपडेट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एड्रेस डिटेल्स फिल करने के लिए आ जाएगी, आपका जो भी एड्रेस है आप फुल एड्रेस यहाँ पर टाइप कर देंगे, ठीक है, जो भी विलेज पोस्ट टाउन जो भी है वो यहाँ पर लिख देंगे, मोहल्ला वगैरह। उसके बाद स्टेट में आपको अपनी स्टेट चूज़ करना है, जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपका राज्य है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, जिस भी ज़िले से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखना है, यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं अगर है तो, अन्यथा इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, एक गार्जियन का दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर नीचे आप अपना एरिया का जो पिन कोड है पोस्ट ऑफिस का वो लिख देंगे, ये आपका करेस्पोंडेंस एड्रेस है। नीचे आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना होता है, अगर परमानेंट एड्रेस भी करेस्पोंडेंस एड्रेस के बिल्कुल सेम है यानी कि दोनों एड्रेस सेम है तो ऊपर वाला एड्रेस फिल करने के बाद आप इस वाले बॉक्स में टिक लगा दीजिए, नीचे ऑटोमेटिकली सारा जो एड्रेस है वो फिल हो जाएगा, दोबारा से फिल करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना होता है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। अगर आपका करस्पोंडेंस एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है, दोनों अलग अलग हैं, तो आप दोनों जगह अलग अलग यहाँ पर एड्रेस फिल कीजिए और इस पर आपको टिक नहीं लगाना है, ठीक है। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए जो पेज है यूपी नौकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो ओनली JPG, PNG, BMP या PDF फाइल इन फॉर्मेट में ही होना चाहिए, अदर किसी भी फॉर्मेट में आपको जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं होंगे। किसी भी डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट 100 KB या उससे कम में ही होना चाहिए। एक पासपोर्ट साइज का जो फोटो है वो स्कैन करके आप यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका जो फोटो है वो आ जाएगा। एक आपको हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर भी स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है, चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी गैलरी में आपका फोटो सिग्नेचर रखा हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे, सिग्नेचर भी यहाँ पर आपका
आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 10th क्लास की यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट भी स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसी तरह से इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट है, जो 12th क्लास की मार्कशीट है, वो आपको नीचे स्कैन करके अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ आपको सेव पर क्लिक करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपके सामने कैंडिडेट की जो एग्जामिनेशन डिटेल्स है वो यहाँ पर आ जाएगी। आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि स्टूडेंट्स नेम, फादर नेम, मदर नेम, कॉलेज का नेम क्या है, ठीक है, कॉलेज किस टाइप का है यानी कि डिग्री क्या है, कौन से सेमेस्टर का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट है आपका, डेट ऑफ बर्थ क्या है, रेगुलर कोर्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आपके जो भी पेपर होंगे इस कोर्स में, वो पेपर नीचे आपको देखने के लिए मिलेंगे और आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाएंगे तो यहाँ पर जो आपके जितने भी पेपर होंगे वो देखने के लिए मिल जाएंगे। थ्योरी का कौन कौन सा पेपर है और प्रैक्टिकल क्या है, ये चीज़ें इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है और यहाँ आपको वेरीफाई पेपर्स पर क्लिक करना होता है। आप यहाँ पर वेरीफाई पेपर्स पर तभी क्लिक कीजिए और जब आपकी सारी डिटेल्स बिल्कुल सही से फिल हो गई हो। अगर आपके फॉर्म में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक है, एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए, सारी चीज़ें सही हैं तो आप वेरीफाई पेपर्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सबमिट जैसे ही आप कर देते हैं उसके बाद आप अपने फॉर्म में किसी भी तरह का करेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो सबमिट करने से पहले आप अपने फॉर्म को अच्छे से चेक कर लें, सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स रोते हैं और बोलते हैं करेक्शन कैसे होगा। करेक्शन नहीं कर सकते आप अपने आप फॉर्म में, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखना है। आपको करेक्शन करवाने के लिए या तो अपने कॉलेज में जाना होगा या फिर यूनिवर्सिटी में जाना होगा, तभी आपके फॉर्म में जो भी मिस्टेक हुई है वो सही हो पाएगी, आप खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और फिर इसके बाद क्या होता है, फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, आप फीस पेमेंट कर दीजिए और दोबारा से फॉर्म को लॉगिन कर लीजिए। दोबारा से आपको यहाँ पर इनरोलमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म की जो भी PDF फाइल हैं वो डाउनलोड करने के लिए आ जाएंगे। अगर आपका फॉर्म फीस पेमेंट करने के बाद भी यहाँ पर PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए नहीं आ रही, प्रिंट आउट निकलने नहीं मिल रहा है आपको, तो एक बार आप वेरीफिकेशन कर लीजिए, फीस का पेमेंट वेरीफिकेशन कर लीजिए। उसके इसलिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पर उपलब्ध है, ठीक है, एक दो दिन पहले ही वीडियो बनाइए। तो अगर फीस पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म की प्रिंट आउट डाउनलोड नहीं हो रहा है तो एक बार पेमेंट का वेरिफिकेशन कर दीजिए। फीस वेरिफिकेशन होने के बाद आप दोबारा से जब लॉगिन करेंगे तो आपको PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।